राहुल गांधी जो है वो आज तक आप कभी देखे मंच पर मोदी भक्त? ये खुद बोले कि मोदी भक्त, ठीक है मोदी भक्त बोल दिया। क्या कोई बोल सकता है कि हम पप्पू भक्त हैं? यहाँ कोई बोल सकता है कि हम पप्पू भक्त हैं? पहले भक्त नहीं थे उनके? यहाँ कोई बोल सकता है कि पप्पू भक्त हैं? आप मोदी भक्त हैं? हम नहीं है, हम नहीं है, ना हम मोदी भक्त है, ना हम पप्पू भक्त है, ना केजरीवाल भक्त है। हम बस देश हित का भक्त है। जो देश हित के हित में, सुनिए मेरी बात, जो देश हित के लिए अच्छा करेगा उसका हम भक्त है, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे राहुल हो। बिहार में राहुल का आप कोई भी अच्छा अच्छा चीज बता दीजिए, हम उसके भक्त हो जाएंगे, उसके भी गुणगान गाएंगे, क्योंकि वो भी अच्छे काम करेंगे। अभी अच्छा वही है जो अभी सत्ता में है, जो सत्ता में रहेगा वो अच्छा करेगा। सत्ता का विरोध हमेशा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आपका बीजेपी हो, कभी भी सत्ता का विरोध हमेशा हुआ है। यहाँ जब आरजेडी का शासन था उस समय भी सत्ता का विरोध हुआ, नीतीश कुमार अलग हो करके उस समय कर रहे थे। आज अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हो गए हैं, आज भी उनका विरोध हो रहा है। क्यों कर, कौन कर रहा है? बिहार में सरकार आपका बीजेपी कर रहा है। तो हमेशा सत्तावादी का विरोध होता है। अच्छा वक्त हमेशा उसी के साथ रहता है जो अच्छा काम करता है। आज अगर कौन किया है अच्छा काम, जो भी सत्ता में रहे अपने हिसाब से सब किया है, लेकिन विरोधी दल कभी भी जो रहता है वो बुराई ही खोज के सामने लाता है। हम तो ये उसका काम है, सुनिए मेरा बात, उसका काम है विरोध खोजना, उसका काम है विरोध खोजना। आप जितना भी अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, आपका अगर कौवा हक देगा तो उसको पहले हम देखेंगे कि हक दिया इसको, पूछिए। लेकिन अच्छा चीज़ अगर पहनिएगा तो आपको अच्छा भी हम बोलेंगे कि आप अच्छे पहने, अच्छे हैं, अच्छे बोली बचका है, चाहे जो भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ काला कर दीजिएगा बोलेंगे देखें ना कैसा है, देखिए करिया कर लिया है, खराब लगेगा वो चीज़। तो बुराई चीज़ सबसे पहले देखा जाता है, अच्छा ही कोई नहीं देखता है, चाहे जो भी पार्टी हो। मोदी, हम मोदी जी या राहुल जी या केजरीवाल जी में अच्छाई नहीं बोल रहे हैं, जो सत्ता में रहा है अपने वक्त में अच्छा रहा। अरे तो आने वाले 24 में किसे देखते हैं आप? और बात, वो तो मोदी है और कोई नहीं है, ये तो श्योर है। मोदी जी है 100 नहीं 1000% 100 नहीं, हाँ उनका भी कहना जायज है, उनका भी कहना जायज है। क्यों उनका भी कहना जायज है कि देखिए, हाँ खाला खाता खोल ले ले मोदी 24 में खाता खोल ले बिहार में, इहो देखा तो नहीं मैदान में ताली ठोका है, इहो ठोका। नीतीश कुमार है तो मोदी है ना तो नहीं है? अब नीतीश कुमार नहीं है उनके पास, पलटू कुमार है, नहीं पलटू नहीं है, उछलटू है, सलटता है, सब चीज के सलटू सलटू सलटता है वो। आज भी मोदी गिर जाए ना नीतीश के शरण में तो सलट लेगा सब चीज, आज भी सलट जाएगा, आज भी सलट लेगा। आज भी कहते हैं सलटू है, सलट लेते हैं। बिहार के लाल है, बिहार के लाल, बिहार के लाल में पामर है, अभी भी सेलेक्ट लेगा, अभी भी सेलेक्ट लेंगे, आगे नीतीश कुमार के शरण में आ जाए मोदी। हमको लगता है कि बिहार के लाल एक गो है। कौन है? लालू छात्र, बिहार का लालू है। एक पैर हो गया, पहले थे अब खत्म हो गए हैं, पहलवान क्या खत्म हो गया, क्या कहना चाहिएगा? अब बोल रहे हैं कि आज भी मतलब लालू ही सब कुछ है उनके लिए। तो कुछ समय पहले लालू का भी विरोध बहुत जबरदस्त हुआ, वो जेल क्यों गए? अगर अच्छे थे तो जेल क्यों गए? आज भी बीजेपी में उछल जाए बेचारा, उनको शरण में सब अल बल जाली ताली सब खत्म। अरे खाली वो शेरवा खाली मिल जाए बस, और कितनों अल फल का जरूरत ना है, खाली ये खाली आ जाए तो झंडा फिर मोदी कवार ही लेगा पूरा ऑल इंडिया में। लेकिन शेरवा है शेर न है ये भाई, हटे वाला ना है गाड़ देगा। जवाब दीजिए अब। नहीं नहीं, उनके समय के हिसाब से उनके लिए ठीक थे, लेकिन हम लोग के समय के हिसाब से गया भाई साहब। इन लोग कहते हैं कि खून के होली तो भाई न थे जी, वो भाई एमएससी किए हुए भाई, अंग्रेज जिस समय अंग्रेज शोषण करता था ना, उस समय इस सब शोषण करता था, बैकवर्ड और जो हरजन बर्डर कहा उसको अलग बलोक दलित बल को शोषण देता था। उस समय बोला कि बेटा लालू, लालू ये बोला था कि किसी को बर्दाश्त नहीं करना है, जाओ वहाँ जाके ब्लॉक में सीना तोड़ के आओ, काम करवाओ, विकास करवाओ, और किसी का रंगदारी न सहो। वह लालू है।
वही लालू है। उनका पारा आज भी बिहार का पानी पी जा रहा है नेपाल का। आज भी उनके डायलॉग था, इतना पानी तो हमारे पारा पी जाते हैं। मतलब यहाँ के जो इंसान है सुपौल खगड़िया उस सब एरिया में आज भी जाके घूम के देखिए, आज भी वहाँ बाढ़ से लोग त्रस्त है, अपना गाँव देहात घर द्वार छोड़ छाड़ के बरसात में दूसरे जगह शरण लेते हैं। आज भी उन्हीं का देन है। वहाँ का कुछ आदमी आज भी इस एरिया में आके होंगे, घर द्वार छोड़ छाड़ के अपना आकर के स्टेशन पे गुजार करते हैं। आज भी वही दशा है। तो क्या बोलते थे, पारा पी जाएगा। प्लस और एक बात इनको आप लोग आपने कहा कि ये मोदी जी, फिर देख लीजिए आप हमको बदनाम कर रहे हैं। हमने कहा जी, आपने खुद ने कहा कि मोदी जी पढ़े लिखे वाले पे बात पे आते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं। तो मोदी जी तो इतना पढ़े लिखे हैं कम से कम कि वो बिना स्क्रिप्ट का दो दो घंटा बोल देते हैं। एक बात करते हैं।